साजिश तो करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये मोहब्बत की शमा है जो मुशायरा और कवि सम्मेलन के हवाले से आप तक पहुंची। दूसरे लफ्ज में कहिए कि मोहब्बतों के चिराग रोशन करने की ये रात है जो हिंदी के शोरा और उर्दू के कवि आपके दरमियान अपना कलाम पेश करेंगे। इससे बड़ी हमारी खुशनसीब नहीं हो सकती। आज के मुशायरा कवि सम्मेलन की अध्यक्षता और सदारत के लिए श्री काम कटियार साहब एमएलए से अच्छा कौन हो सकता है। मैं चाहता हूँ आप तालियों से इस्तकबाल करें, गुड्डू भाई उनका इस्तकबाल करेंगे। आज के मुशायरे कवि सम्मेलन की सदारत आदरणीय कटियार जी। हम सब शायरों की, कवियों की, दानिश्वरों की, साहित्यकारों की दिल की गहराई से कदर करने वाली शख्सियत, एक शख्स नहीं बल्कि ऐसी अंजुमन जिसके साथ मुख्तलिफ लोग जुड़े रहते हैं, एक ऐसा शख्स जो एक वजीर होने के साथ साथ इतना आम फहम, इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स है, जब उससे मिलिए तो दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि यकीनन मोहब्बत की चाहतें बहुत ज्यादा हुआ करती हैं, लेकिन जनाब मोहसिन, लफ्ज़ मोहसिन है, मोहसिन की कदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं मोहसिन रजा साहब से इजाजत चाहता हूँ कि आज के मुशायरे कवि सम्मेलन का आगाज किया जाए। आली जनाब मोहसिन रजा साहब वजीर हुकूमत उत्तर प्रदेश, हम सब की आज के मुशायरे की जान रूहे रमा जनाब इजार खान गुड्डो भाई, श्रीकांत कटियार साहब अध्यक्ष जी, कुंवर प्रेम सिंह साहब, श्री अशोक कुमार मुन्ना सिंह साहब, डॉक्टर साहब और खवातीन हजरा, दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आगे बचेगा कौन, दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहां से, हम होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। हजरात ग्रामी, आज की ये शाम जो कवि और शोरा के इम्तिजाज से आगे बढ़ेगी, इसका लब लुबाब ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि हमें राष्ट्र की बात करनी है, हमें अखंड भारत की बात करनी है, हमें अपने मुल्क की बात करनी है, अपने हिंदुस्तान की बात करनी है। और यहाँ मुझे दो बात कहने की इजाजत दीजिए मेरे दोस्तों। अभी मोहसिन भाई से गुफ्तगु हो रही थी, मोहसिन भाई बहुत फिलोसफर वाली गुफ्तगु करते हैं। मोहसिन रजा साहब ये कह रहे थे कि माजी साहब, जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं होते बल्कि एक इंसान होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमें हिंदू और मुसलमान बनाया करती है। लेकिन मोहसिन भाई, मैं ये अर्ज करूं आपसे कि तुम ना ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान बनो, तुम ना ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान बनो, दौरे हाजिर का तकाजा है कि इंसान बनो। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान जिसमें आप और हम पैदा हुए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और उससे बड़ा फख्र ये है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हमारे आकाए नामदार हुजूर अकरम का इरशाद बरामी है कि जो वतन से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान नहीं। तो आइए दोस्तों, इस वतन की मोहब्बत को आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान की मोहब्बत को आगे बढ़ाएं, उस राष्ट्रवाद की बात करें जिस राष्ट्रवाद को लेकर आज पूरी दुनिया में एक जंग जारी है। और मोहसिन भाई, हमें फख्र है कि उस जंग में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने अपना मकाम बनाया है, वजीर आजम से लेकर तमाम सूबों तक ये पैगाम दिया है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, वतन से हटके हम कुछ नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, मुझे एक बात कहने दीजिए, एक घर में भी इख्तलाफ हुआ करते हैं, दो भाइयों में भी इख्तलाफ हुआ करते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ साथ ही ना हो, वो इख्तलाफ पॉसिबिलिटी के साथ साथ हो।
आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक वाकया नजर करूं। हमें सियासी लोगों से बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आज मैं अपने घर में गुफ्तगू कर रहा था अपने बच्चों से, तो मेरी बेटी जो जामिया की तालिबिल है उसने मुझे एक बात ये बताई कि पापा आज आप उस मुशायरे में जा रहे हैं जो कवि सम्मेलन भी है, मुशायरा भी है, जो यकजहती राष्ट्रवाद और अखंड भारत वतन से मोहब्बत के हवाले से है। उसमें ये जरूर जिक्र कीजिएगा कि हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की वो तकरीर कोई नहीं भूल सकता कि जहां 500 लाख के मजमे में वज़ीर आज़म हिंदुस्तान जनाब नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे थे और उनकी तकरीर के दौरान अजान की आवाज आई तो नरेंद्र मोदी साहब ने 5 मिनट तक अपनी तकरीर रोक दी, अजान के एहतराम में हिंदुस्तान की अजमत दोहरा दिखाया। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है दोस्तों, ये बात उस वतन की है जिस वतन में आप और हम रहते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए, इस वतन की खुशबू के हवाले से गुफ्तगू की जाए। लेकिन मोहसिन भाई, ज्यादा गुफ्तगू करके मैं अपनी इज्जत और आबरू को खतरे में डालना नहीं चाहता, इसलिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि मुशायरा और कवि सम्मेलन शुरू हो। मोहसिन रजा साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि आखिर तक हमारे मुशायरे में बैठेंगे, मैं उनके इस्तकबाल करता हूँ। मुशायरे का टाइम 10 बजे था, लेकिन मोहसिन रजा साहब ने मेरे काम में कहा कि माजिद भाई 10:30 बजे भी अगर मुशायरा चलेगा तो वो बैठेंगे। मोहसिन भाई के लिए तालियां बजाइए कि वो आखिर तक हमारे मुशायरे में बैठेंगे। आइए दोस्तों, इस मोहब्बत की खुशबू से पैदा हमारे हिंदुस्तान की हजारों साल की तहरीक, हमारे हिंदुस्तान की हजारों साल की तहजीब, जिसका हम आगाज आज के कवि सम्मेलन मुशायरे में यकजहती के उस हवाले से कर रहे हैं कि अगर कहीं अजान होती है तो उसका भी एहतराम होता है, कहीं वंदना होती है तो उसका भी एहतराम होता है, कहीं शंख बजते हैं उसका भी एहतराम होता है, गुरुद्वारे में किताबें पढ़ी जाती है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है, उसका भी एहतराम होता है। आइए दोस्तों, आज के मुशायरे कवि सम्मेलन का आगाज प्रियंका शुक्ला को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो वीणा वंदना से हमारे मुशायरे का आगाज करें। मैं प्रियंका शुक्ला को बुला रहा हूँ, आप उनका स्वागत करें। मुशायरे कवि सम्मेलन की क्षमा रोशन हो चुकी है, आप भरपूर तालियों से मुझे इजाजत दें कि मैं कवि सम्मेलन मुशायरे का आगाज करने जा रहा हूँ। प्रियंका शुक्ला वंदना जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंचासन सभी कवियों को प्रणाम।